कि हम फाइनल अपने नाम कर दिए। उसके बाद क्रिकेट बॉल तो शुरू से आपको जैसा पता है कि भाई हमारे पास लड़के सारे माशाल्लाह तगड़े, तो कैप्टन से कैप्टन का ये कहना था कि भाई शुरू बॉल से आपने मारना है, हम रुक नहीं के सगर पे नहीं आते शुरू पे। और कैप्टन ने कहा था कि इंशाल्लाह, और अब उसने शुरू में ही समझाया था कि मैं अच्छे और मैं क्लियर करके आने इन जो वही हुआ अल्लाह का शुक्र से जी माशाल्लाह बेहतरीन आपने इनिंग्स खेली है। आपके जो फैंस थे, आपकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, आपको देखते हैं, तो मेरे शायकीन के लिए जो फैंस है उनके लिए क्या कहते हैं? शायकीन सब के लिए मैं तो दिल के गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ, और सब के लिए लव यू, बस थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। आज फाइनल मैच था वॉरियर वर्सेस और हमारे टीम सोल्जर के माबेन, तो इसी तरह इवेंट गिलगित बल्तिस्तान की हर जगह में होना चाहिए, खुसूसन नसराबाद में सालाना ये एक इवेंट होता रहता है जैसा कि GPPL, तो इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के अंदर सिटी पार्क हमारे पास ग्राउंड अवेलेबल है, हुकूमती सतह पर ऐसे इवेंट को प्रमोट करना चाहिए ताकि यहाँ से टैलेंट प्लेयर बाहर शो हो जाए और डॉन में जाके क्रिकेट खेले। जिस तरह डॉन के प्लेयर मौजूद है हमारे तैमूर मिर्जा और दिगर जहर कालिया वगैरह, हमारे पास भी गिलगित बल्तिस्तान में ऐसे टैलेंट प्लेयर मौजूद है ताकि हुकूमती सतह के तौर पर ये इवेंट करवाए तो ये भी आगे प्रमोट होके ये प्लेयर भी टॉप में जाके खेल सकते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये फाइनल मैच बासानी विन किया है, तो शुरू से हमारा जो टारगेट था 140-150 के दरमियान था, तो हम सोच भी रहे थे यहाँ रुकेगा तो हम इंशाल्लाह इसको चेस भी कर सकते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह एहसान ने भी अच्छा किया उन्होंने भी, और साथ साथ में अल्हम्दुलिल्लाह ये फाइनल जो है अपने नाम किया। हमने कोई तकरीबन 4-5 मैचे खेल के फाइनल तक पहुंचे, तो मेरे ख्याल में 50 के करीब टीमें थी यहाँ पर। जी बहुत अच्छा इवेंट यहाँ पर नसराबाद वालों ने ऑर्गेनाइज किया है, हम उनके शुक्रगुजार हैं, तो यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हमारे साथ, बहुत कॉपरेट शुरू से हमारे साथ, उनका कॉपरेट बहुत अच्छा था, तो हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। मुझे के तो अच्छा है ये जीते हैं, मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और एक चीज़ जो बिजली की बात हुई है यहाँ पे, मैं आपको मुबारकबाद ये देना चाहता हूँ कि IPS के थ्रू 2 MW सोलर प्रोजेक्ट अगले चंद दिनों में उसका यहाँ नसराबाद में सर्वे होगा, और अगले 10 महीने में इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। शायद आम लोगों में ये हो जहनों में ये बात होती है कि शायद हुकूमत कुछ नहीं कर रही है, इमामती इदारे कुछ नहीं कर रहे होते हैं, तो बहुत सारा काम हो रहा होता है, लेकिन हर काम आपको कबल अज़ वक़्त बताना भी मुनासिब नहीं होता है, क्योंकि ये सोलर प्रोजेक्ट फाइनल स्टेज पे आके इसकी मंजूरी मिल गई थी, और अगले चंद दिनों में इंशाल्लाह इसका सर्वे होगा और काम शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, मैं नसराबाद स्पोर्ट्स क्लब को, चूंकि आप लोगों का एक ही डिमांड था, अभी मुझे मैसेज भी मिला था, वो मसूर अब्बास काविश आई थिंक कोऑर्डिनेट कर रहे हैं PCB और GB के इश्यूज को, पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यहाँ पे मेरे ख्याल में 2 क्रिकेट ग्राउंड्स बनाने जा रही है, और इंशाल्लाह हम सब मिलके एक ग्राउंड, इस ग्राउंड को हम PCB के, मैं खुद भी इस्लामाबाद में जाऊँगा, PCB के जिम्मेदारान से मिलूंगा, और नसराबाद क्रिकेट ग्राउंड को हम उस कैटेगरी में लेके आएंगे। लेकिन आपसे ये वादा है कि अगले साल जब आपका टूर्नामेंट होगा, इस ग्राउंड में एटलीस्ट जो आपका डिमांड है उसकी फर्निशिंग होगी, इसको बेहतर करेंगे और इसको ग्रासरी ग्राउंड की तरफ हम लेके जाएंगे, और अगले साल ये ग्राउंड, इस ग्राउंड की जो है वो स्ट्रक्चर आपको बहुत मुख्तलिफ नजर आएगी।